Hello all, this is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel, Soulful Journey. आज मैं आप लोगों के लिए एक generalized reading लेकर आई हूँ, जो कि जुलाई 2022 के लिए है. आज की reading Aries, यानी कि मेष राशि वाले लोगों के लिए है. ये एक generalized reading है. हो सकता है ये reading आपके साथ completely resonate हो सकता है ये reading आपके साथ partially resonate हो सकता है ये reading आपके साथ बिल्कुल भी resonate ना हो. So, अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं, तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं. ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं. मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे. जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलती रहे. मेरा एक और चैनल भी है, सोल डिवाइन जर्नी टैरो. लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. उस चैनल पर मैं कुछ ऐसी वीडियोस पोस्ट करती हूँ जो आपको आपकी लाइफ को चैनलाइज करने में मदद करती हैं, और मैं अपनी डेली एंजेलिक गाइडेंस रोज रात 8 बजे उस चैनल पर पोस्ट करती हूँ. सो आप प्लीज उस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वहां पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलती रहे. इस रीडिंग को आप सन राइजिंग, मून राइजिंग या वीनस राइजिंग के अकॉर्डिंग देख सकते हैं. अगर आप इस रीडिंग को अपने असेंडेंट यानी कि लग्न के थ्रू देख रहे हैं, तो जो भी मून साइन है आपका जोडिक साइन, उस रीडिंग को देखना मत भूलिएगा. सो देखते हैं जनरल एनर्जीज एरीज पीपल जुलाई महीने के लिए आपके लिए क्या रहने वाली है. जनरली ये महीना आपके लिए किस तरह का होगा, व्हाट आर द जनरल एनर्जीज, ये महीना आपके लिए क्या लेकर आ रहा है. एरीज पीपल, लेट्स सी ये महीना आपके लिए क्या लेकर आ रहा है. एरीज पीपल, लेट्स सी ये मंथ आपके लिए किस तरह का रहने वाला है. सो बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर पेज ऑफ कप्स का कार्ड है, यहाँ पर फोर ऑफ वॉन्स का कार्ड है, द हर्मिट का कार्ड है, यहाँ पर एट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, यहाँ पर थ्री ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, क्वीन ऑफ वॉन्स का कार्ड है, नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है एंड टेन ऑफ कप्स का कार्ड है यहां पर. सो एरीज पीपल, इस महीने में एक प्रपोजल आपको नजर आएगा, लेकिन उस प्रपोजल को आप शायद ग्रैब नहीं कर पाएंगे. ठीक है, एक प्रपोजल है जो आपके सामने रहेगा, जो आपको एक भावनात्मक शांति प्रदान करेगा. इमोशनल सेटिस्फेक्शन आपको इस प्रपोजल से मिलती हुई नजर आ रही है. आप इसे देखकर ही इतने उत्साहित होंगे कि आपके जीवन के अंदर आपको सब कुछ मिल गया है, लेकिन इस प्रपोजल को ग्रैब करना बहुत ही मुश्किल होगा. नहीं कर पाएंगे मैक्सिमम आप लोगों में से, लेकिन जो कर पाएंगे वो बहुत ही मेहनत के बाद इस प्रपोजल को हासिल कर पाएंगे. ओके, यहां पर फोर ऑफ वॉन्ट्स का कार्ड है. इस महीने में आपका कोई सपना पूरा होता हुआ नजर आ रहा है, कोई सपना आपका साकार होने वाला है. जिस सपने को लेकर आपने बड़े बड़े कदम उठाए पास्ट में, लेकिन उसका फल आपको नहीं मिला, वो सपना यहां पर साकार होता हुआ इस महीने में नजर आ रहा है. यहां पर द हर्मिट का कार्ड है. इस महीने में अपनी लाइफ के किसी भी स्पेयर को लेकर आपको एक अवेकनिंग होती हुई नजर आ रही है. इस महीने में कुछ वक्त आप अकेले में स्पेंड करेंगे, और जो वक्त आप अकेले में स्पेंड करेंगे उससे आपके अंदर एक अलग सी ऊर्जा का संचार होगा, जिससे कि आपकी विजडम इंक्रीज होती हुई यहां पर नजर आ रही है. द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज एट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है. इस महीने में आप बहुत 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 ज्यादा मेहनत करते हुए नजर आ रहे हैं. हर एक चीज को लेकर आप अपनी तरफ से 100% देने की कोशिश करेंगे. आप अपने काम को लेकर बहुत ज्यादा डिवोटेड रहने वाले हैं. आप इस महीने में फल की अपेक्षाएं करने भी नहीं वाले हैं, आप सिर्फ मेहनत पर इस महीने में फोकस रखने वाले हैं. यहां पर थ्री ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है. इस महीने में आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस होती रहेगी. जब भी आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी, या फिर आपका कोई सपना साकार होने लगेगा, या फिर आपको कोई भी डिसीजन बनाना होगा, तो कहीं से भी कोई थर्ड पार्टी आपकी लाइफ के अंदर आएगी और उस थर्ड पार्टी की वजह से आपका डिसीजन शेक होने लगेगा. ठीक है, आप जब भी अपने लाइफ का निर्माण अपनी तरह से करने की कोशिश करेंगे, तभी इस मंथ में कोई थर्ड पार्टी की इंटरफेरेंस होगी.
ये थर्ड पार्टी जनरली आपके बहुत क्लोज रहने वाली है, आपका कोई खास फ्रेंड हो सकता है, आपकी फैमिली में से कोई हो सकता है. ओके, इस महीने में एरीज पीपल, आप एक नई डायरेक्शन में बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं. आप एक ऐसी डायरेक्शन में बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं जहां पर आप अपने आप में बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंस महसूस करेंगे. आपको ये महसूस होगा कि आपको अपनी लाइफ के अंदर जो ये नई डायरेक्शन मिली है, ये आपकी सभी प्रॉब्लम सॉल्व कर देगी. आपको ऐसा महसूस होगा. यहां पर नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है. किसी एक स्फीयर में आपको टेंशन बहुत ज्यादा रहने वाली है. उस टेंशन की वजह से रातों को आप सो नहीं पाएंगे. अंदर से आपको कोई डर सताने वाला है. उस डर की वजह से आप बहुत ही ज्यादा इमोशनल होते हुए नजर आ रहे हैं. रात को देर से सोना या रात को नींद ना आना, ये प्रॉब्लम इस महीने में आपको ज्यादा रहने वाली है. यहाँ पर टेन ऑफ कप्स का कार्ड है. किसी एक स्फीयर में आप इमोशनली बहुत हैप्पी रहेंगे. इस महीने में आपको कई ऐसी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी कि आप अपनी फैमिली के साथ एक बहुत अच्छा टाइम स्पेंड कर पाएंगे. आप एक ऐसा वक्त स्पेंड करते हुए नजर आ रहे हैं जिसकी कामना आपने बहुत लंबे टाइम से की है. आपने अपनी फैमिली के साथ एक अच्छा क्वालिटी टाइम बहुत लंबे टाइम से स्पेंड नहीं किया है. वो अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाली है. फैमिली की तरफ से सपोर्ट, सिक्योरिटी, सेफ्टी आपको मिलती हुई यहाँ पर नजर आ रही है. सो आई होप एरीज पीपल, आपको ये जनरल एनर्जी क्लियर हो गई होगी. सो नाउ लेट्स सी एरीज पीपल, ये महीना जुलाई का जो मंथ आ रहा है, ये आपकी लव लाइफ के लिए क्या लेकर आ रहा है, आपकी लव लाइफ के अंदर क्या चेंजेस आने वाले हैं इस महीने में, लेट्स सी दैट एरीज पीपल. ये महीना आपकी लव लाइफ के लिए किस तरह का रहने वाला है, ये महीना आपकी लव लाइफ के लिए किस तरह का होगा एरीज पीपल, लेट्स सी दैट. बॉटम ऑफ द डेक पर द मून का कार्ड है. यहां पर व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है. द डेविल का कार्ड है. यहां पर नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है. सेवन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है. जजमेंट का कार्ड है. डेथ का कार्ड है. यहां पर टू ऑफ कप्स का कार्ड है. एंड टेन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है यहां पर. सो एरीज पीपल, जो लोग अपने पार्टनर के साथ एक सेपरेटेड जोन में हैं, पहले मैं आप लोगों के बारे में बात करना चाहूंगी. इस महीने में वक्त का परिवर्तन हो रहा है, ठीक है. आपके लव लाइफ के अंदर जो चेंजेस आ रहे हैं वो अजीब से चेंजेस हैं. आप दोनों के बीच में जो कार्मिक सिचुएशन है, जो भी थर्ड पार्टी एनर्जी है, वो काफी हावी होती हुई नजर आ रही है, ठीक है. आपके जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है उसमें मैनिपुलेटिव इफेक्ट बहुत ज्यादा रहने वाला है. आपके पार्टनर की एनर्जीज इस थर्ड पार्टी की तरफ को बायस्ड रहेंगी. आप अपने पार्टनर से एक्सपेक्ट इस महीने में करने वाले हैं कि वो आपके साथ एक इक्वल गिव एंड टेक का रिलेशनशिप निभाएं, बट निराशा ही आपके हाथ लगेगी क्योंकि आपके पार्टनर आपके साथ ऐसा कोई भी रिलेशनशिप नहीं निभाने वाले हैं. इस महीने में इस रिलेशनशिप को लेकर आपको बहुत ज्यादा बर्डन महसूस होगा. बहुत ही ज्यादा आप अपने आप को थका हुआ महसूस करेंगे. आप महसूस करेंगे कि जिंदगी के अंदर आपने इतना कुछ इस रिलेशनशिप के लिए कर लिया है, लेकिन सिचुएशन आज भी वही है. आप स्टार्टिंग ऑफ जुलाई में इस रिलेशनशिप के लिए बहुत ज्यादा पैशनेट रहेंगे क्योंकि आपको उम्मीद रहने वाली है कि आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट देंगे, लेकिन ट्रस्ट इश्यूज आपके खड़े हो जाएंगे आपके पार्टनर के साथ. आप जहां अपने पार्टनर से मिलने के लिए या फिर उनसे बात करने के लिए तरस रहे थे और आपको एक्सपेक्टेशन थी कि इस महीने अब आपकी बात होने जा रही है, वहां पर कहीं ना कहीं डिले एंड पोस्टपोनमेंट की एनर्जी है. इस महीने में आप अपने अराउंड एक वॉल क्रिएट कर लेंगे. आपका आपके पार्टनर के ऊपर उतना ट्रस्ट नहीं रहेगा. आप अपने पार्टनर के साथ एक गैप क्रिएट करते हुए नजर आ रहे हैं. इस महीने में फुल मून नो मून की एनर्जीज आपके इमोशंस को बहुत ज्यादा इफेक्ट करेगी. आपके पार्टनर की तरफ से आपको वो रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा जो आप कहीं ना कहीं उनसे एक्सपेक्ट करेंगे, ठीक है. आप अपने पार्टनर से कमिटमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस मंथ में, लेकिन वो कमिटमेंट आपको नहीं मिल पाएगी क्योंकि आपकी कार्मिक सिचुएशन बहुत ज्यादा यहाँ पर हावी होती हुई नजर आ रही है. जो भी सिचुएशन आप दोनों के बीच में एग्जिस्ट करती है, जो भी थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच में एग्जिस्ट करती है, वो एक अपर हैंड पर आती हुई नजर आ रही है. ओके,
अब हम बात करते हैं जो लोग नॉन सेपरेटेड जोन में हैं, जो कि अपने पार्टनर के साथ हैं, उनके लिए एनर्जी किस तरह की रहने वाली है। इस महीने में वक्त का परिवर्तन होगा, आपके पार्टनर की एनर्जीज के अंदर बहुत अलग किस्म के बदलाव आएंगे। अब ये बदलाव किस तरह के होंगे, जहां पर आपके पार्टनर आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक का रिलेशनशिप निभा रहे थे, जहां पर वो आपको कमिटमेंट देकर आपके साथ कमिटमेंट निभाने की बातें कर रहे थे, वहां पर आपको आपके पार्टनर खुद से दूर भागते हुए नजर आएंगे। ठीक है, आपके पार्टनर आपको बताएंगे कि उन्हें इस रिलेशनशिप में उस तरह का पैशन महसूस नहीं हो रहा है। आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी एनर्जी एंटर करती हुई नजर आ रही है और ये कार्मिक सिचुएशन है। ये कार्मिक सिचुएशन आपकी भी है और आपके पार्टनर की भी है, दोनों के लिए ये पास्ट लाइफ कार्मिक है। और आपके पार्टनर पैशनेटली इस थर्ड पार्टी की ओर बढ़ते हुए इस मंथ में नजर आ रहे हैं। आपके पार्टनर के बर्ताव की वजह से आपके अंदर एक ट्रस्ट फैक्टर टूटता हुआ नजर आ रहा है। आप किसी के ऊपर यकीन नहीं कर पाएंगे। आपके रिश्ते के अंदर डिले और पोस्टपोनमेंट की एनर्जी बहुत ज्यादा चलने वाली है। हर एक चीज में डिले होगा। आप जितना ज्यादा अपने पार्टनर से एक्सपेक्ट करेंगे, उतनी ज्यादा आपको डिले की एनर्जी उसको विटनेस करना होगा। इस महीने में आपके इमोशंस शटर होते हुए नजर आ रहे हैं। इमोशनल फुलफिलमेंट आपको इस बार इस मंथ में अपने रिलेशनशिप से नहीं मिलने वाली है। एंड मोर ओवर एक चीज और है, जब आपके पार्टनर का बिहेवियर इस तरह से बदल रहा होगा तो आपको एटलीस्ट अपने पार्टनर के लिए एक प्रोफेशनल हेल्प सीक करने की जरूरत है, क्योंकि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये यहाँ पर जुलाई के महीने में स्टार्ट होगी और धीरे 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 ये ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ज्यादा हो जाएगी, जो कि आपका रिश्ता तोड़ भी सकती है। इस महीने में सिर्फ बर्डन महसूस होगा इस रिश्ते को लेकर, लेकिन ये रिश्ता टूटता हुआ आपको अगली एनर्जीज में महसूस हो सकता है। मोर ओवर जो लोग सिंगल्स हैं, इस महीने में आपकी थकान को दूर करने, आपकी जिंदगी के प्रति नकारात्मकता को दूर करने कोई पर्सन आपकी लाइफ में एंटर करने वाला है। ये पर्सन आपका कार्मिक ही होगा, लेकिन आपके अच्छे कर्मों का फल ये पर्सन आपकी लाइफ में इस पर्सन के रूप में आपको मिलने जा रहा है। ठीक है, आपकी लाइफ के अंदर आपके अच्छे कर्मों का फल ये पर्सन लेकर आपके लिए आ रहा है। सो अगर आपको कोई कमिटमेंट इस महीने में देता है सिंगल्स, आपको उस कमिटमेंट को एक्सेप्ट करना है। उस कमिटमेंट के अकॉर्डिंग आपको अपनी लाइफ के डिसीजंस बनाने हैं। ये पर्सन आपके अंदर एक बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आएगा। आप बहुत ही ज्यादा सकारात्मक महसूस करने लगेंगे इस पर्सन के आने से आपकी लाइफ के अंदर। ठीक है, सो इस पर्सन के ऊपर डाउट मत कीजिएगा। जो भी रिश्ता आपके लिए आता है, जो आपको पसंद आता है, या आपको सामने से कोई कमिटमेंट देता है, जनरली यहां पर सामने से कमिटमेंट ज्यादा है इंस्पाइट आपके अरेंज मैरिज या अरेंज प्रपोजल से ज्यादा, एक लव जैसा प्रपोजल ज्यादा नजर आ रहा है। ओके, सो आई होप एरीज पीपल आपको ये एनर्जी क्लियर हो गई होगी। सो सेपरेटेड एंड नॉन सेपरेटेड पीपल, अपने लव लाइफ के ऊपर ध्यान दीजिएगा इस महीने में और अपने इमोशंस को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिएगा, बिकॉज वो आपकी हेल्थ को भी इम्पैक्ट कर सकते हैं। सो एरियस पीपल, नाउ लेट्स सी जुलाई का महीना आपके करियर, आपके फाइनेंसेस, आपके बिजनेस, आपके जॉब के लिए किस तरह का रहने वाला है। एरियस पीपल, लेट्स सी ये महीना आपके जॉब, आपके फाइनेंसेस, आपके बिजनेस के लिए किस तरह का रहने वाला है। एरियस पीपल, ये महीना आपके जॉब, आपके बिजनेस, आपके फाइनेंसेस के लिए किस तरह का रहने वाला है। बॉटम ऑफ द डेक पर द हर्मिट का कार्ड है। ज्यादा हलचल आपके बिजनेस, आपके करियर, आपके प्रोफेशन में ज्यादा आती हुई नजर आ रही है। द टावर का कार्ड है, थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, सेवन ऑफ कप्स का कार्ड है, फोर ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है, द फूल का कार्ड है यहाँ पर, एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, टेन ऑफ कप्स का कार्ड है। ओके, बहुत सारे कार्ड जो जनरल एनर्जी के निकल कर आए थे वो इसी स्पेयर में निकल कर आए हैं। देखिए, स्टार्टिंग जब होगी जुलाई के मंथ में, आप एक टावर मूवमेंट एक्सपीरियंस करेंगे अपने करियर को लेकर, अपनी जॉब को लेकर, अपने प्रोफेशन को लेकर। अचानक से आपकी जॉब छूट सकती है, बिजनेस में कुछ लॉस हो सकता है,
बहुत ज्यादा आप डिसहार्टेंड हो जाएंगे, बहुत ही ज्यादा बिखराव की एनर्जीज को आप एक्सपीरियंस करेंगे उस टाइम पर। आपको बहुत इल्यूजन रहने वाला है, बहुत ही इल्यूजन की एनर्जी में आप नजर आ रहे हैं। आपको एक्चुअली ये टावर मूवमेंट इसी वजह से देखने को मिलेगा क्योंकि जुलाई के मंथ में स्टार्टिंग में आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी और आप इल्यूजन की वजह से कोई गलत अपॉर्चुनिटी को चूज कर देंगे और उसकी वजह से आपके ड्रीम्स शटर होते हुए आपको नजर आएंगे। आपकी प्रोफेशनल लाइफ में आपको बहुत ज्यादा दिक्कत आएगी, आपकी फाइनेंसेस में आपको बहुत ज्यादा दिक्कत आएगी। उसके बाद आप कुछ टाइम अकेले में स्पेंड करेंगे, इट इज अराउंड 14th of July के अराउंड आप कुछ टाइम अकेले में स्पेंड करेंगे। आप इस चीज को लेकर एनलाइटेंड होंगे कि आपसे कहां गड़बड़ हुई है और जब आपको इस चीज का एहसास होगा तो आपके सामने कोई एक अपॉर्चुनिटी आएगी जिसे आप खुले दिल से रिसीव करेंगे और उस अपॉर्चुनिटी के बाद आपका आपके लिए और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज के दरवाजे खुलेंगे, बट आप उसी अपॉर्चुनिटी की तरफ को मूव करने वाले हैं। ठीक है, और जो अपॉर्चुनिटी आप चूज करेंगे, जो डायरेक्शन आप चूज करेंगे, उसमें आपका कोई सपना आपके जॉब के रिलेटेड, आपके बिजनेस के रिलेटेड, आपके करियर के रिलेटेड पूरा होने वाला है। आपको तब रियलाइज होगा कि ये टावर मूवमेंट इस वजह से ही आया था। अगर ये टावर मूवमेंट ना आता तो आप अपने जॉब में चेंजेस कभी भी ना लेकर आते, आप अपने बिजनेस के अंदर चेंजेस कभी भी ना लेकर आते। सो अब आपके जॉब के अंदर एक पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन आपको 15th of July के बाद देखने के लिए मिलेगी और धीरे धीरे आपके फाइनेंसेस इंप्रूव होने शुरू हो जाएंगे, धीरे धीरे आपके फाइनेंसेस में वृद्धि होनी शुरू हो जाएगी। और स्टार्टिंग में अगर आप अभी तक जॉबलेस हैं तो आपको ऐसा महसूस होगा कि अब आपको जॉब करनी ही नहीं है, आपका करियर कभी सेट ही नहीं हो सकता। 10-15 दिन आप इसी एनर्जी में रहेंगे, उसके बाद अपॉर्चुनिटी मिलेगी, आपको एक जॉब भी मिल सकती है। आपका कोई सपना है बहुत बड़ा आपके करियर के रिगार्ड में, वो पूरा इस महीने में होने जा रहा है। आपको किसी की तरफ से कोई स्टेबल प्रपोजल मिलेगा जो आपके इमोशंस को बहुत ज्यादा सैटिस्फाई करेगा, आपके हार्ट ब्रोकन सिचुएशन को हील करेगा और उसके बाद आपके फाइनेंसेस बढ़ने शुरू हो जाएंगे और आप इमोशनल सैटिस्फेक्शन इस पूरे मंथ के लास्ट तक डेफिनेटली अपने करियर को लेकर अचीव करेंगे। सो इसलिए अपने करियर को लेकर किसी भी टर्म्स में घबराने की जरूरत नहीं है। ये टावर मूवमेंट आना असेंशियल है, इसको आप रोकेंगे नहीं, ठीक है, आप रोक भी नहीं पाएंगे। इस टावर मूवमेंट का आना आपकी लाइफ के अंदर बहुत जरूरी है ताकि जो पुरानी इमारत है वो गिरेगी तभी एक नई इमारत का निर्माण आप कर पाएंगे। सो इमोशनल सैटिस्फेक्शन अपने प्रोफेशन के रिगार्ड में इस मंथ के लास्ट तक आपको मिलती हुई नजर आ रही है और फिर आपको अपने फाइनेंसेस को लेकर कोई टेंशन नहीं होगी। इनफ्लो ऑफ मनी बढ़ता हुआ यहां पर नजर आ रहा है। सो आई होप एरीज पीपल, आपके बिजनेस, आपके करियर के रिगार्ड में आपको ये एनर्जी क्लियर हो गई होगी। अब हम देखते हैं कि ये महीना आपकी हेल्थ के लिए किस तरह का रहने वाला है, आपकी हेल्थ के अंदर क्या चेंजेस आप एक्सपीरियंस करेंगे इस मंथ में, जुलाई के मंथ में क्या चेंजेस आप एक्सपीरियंस करने वाले हैं एरीज पीपल, लेट्स सी। बॉटम ऑफ द डेक पर किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, यहां पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, द डेविल का कार्ड है, द मून का कार्ड है। यहां पर देखिए इस बार हेल्थ के रिगार्डिंग आपका खर्चा तो जरूर होगा, आपकी हेल्थ के ऊपर आपको फोकस करने की जरूरत है। हेल्थ खराब हो सकती है, इमोशंस को कंट्रोल कीजिएगा। आपको अपनी हेल्थ के ऊपर कुछ एक्सपेंडिचर लगेगा जिसकी वजह से आपकी हेल्थ में कुछ इंप्रूवमेंट आएगी, ठीक है। अगर आपकी छोटी सी भी कोई प्रॉब्लम है ना, उसे इग्नोर मत कीजिएगा, नहीं तो जुलाई के महीने में ये प्रॉब्लम बढ़ जाएगी, ठीक है। थोड़ा सा अपने ईटिंग हैबिट्स के ऊपर फोकस करिएगा, ईटिंग हैबिट्स को कंट्रोल करने की कोशिश कीजिएगा। ज्यादा फ्राइड या फिर बहुत ही फैट से भरा हुआ खाना आप मत खाइएगा, वो चीज आपको बहुत ही नेगेटिव इफेक्ट देगी। सो इस महीने में ये खर्चा बचाना है अगर, तो इसके लिए आप जो भी छोटी सी भी प्रॉब्लम होती है ना, उसको एक बार डॉक्टर को दिखा के आइए, जरूर डॉक्टर को विजिट कीजिएगा। उससे क्या होगा, जो बहुत बड़ा खर्चा होना है वो छोटे में ही टल जाएगा, ठीक है। सो आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखिएगा, ज्यादा ओवरथिंकिंग की एनर्जीज में मत रहिएगा, फुल मून नो मून पर अपना जरूर ध्यान रखिएगा, ओके। सो अब हम देखते हैं ये महीना आपके फ्यूचर इन्वेस्टमेंट के लिए किस तरह का रहने वाला है,
क्या आप अपना ड्रीम हाउस इस मंथ में बना पाएंगे? क्या आपको इस महीने में इन्वेस्ट करना चाहिए? जुलाई के महीने में क्या आपको इन्वेस्ट करना चाहिए? लेट्स सी, क्या इस मंथ में आप अपना ड्रीम हाउस बना पाएंगे? क्या आपको जुलाई के मंथ में फ्यूचर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए? सो यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक पर किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, यहाँ पर टू ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, जस्टिस का कार्ड है, एस ऑफ कप्स का कार्ड है, थ्री ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, टेन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है यहाँ पर, एंड सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। देखिए एरीज पीपल, इस महीने में आपको इन्वेस्टमेंट बिल्कुल भी नहीं करनी है। आप ऑलरेडी बहुत कंफ्यूज रहने वाले हैं कि आपको इन्वेस्टमेंट करनी है कि नहीं करनी है। मेरी सलाह मानिए, आपको इस मंथ में फ्यूचर को लेकर कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है। अगर आप ये इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आप किसी लीगल केस में फंस जाएंगे, ठीक है, और आपके साथ कोई धोखाधड़ी हो सकती है, बहुत बड़े लेवल पर हो सकती है, इमोशनली बिल्कुल शटर हो जाएंगे। ये चीज आपको नहीं करनी है। कोई भी डिसीजन फ्यूचर इन्वेस्टमेंट के रिगार्ड में आपको इस मंथ में नहीं बनाना है। ना तो लैंड पर इन्वेस्ट करना है, ना आपको कोई प्लॉट खरीदना है, और या फिर फ्लैट नहीं कोई खरीदना है, घर कोई नहीं खरीदना है, आपको किसी भी तरीके की कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है इस मंथ में। नहीं तो वहां पर डिस्प्यूट हो जाएगा और बहुत लंबे चक्कर में आप फंस जाएंगे, तो इस चीज को अवॉइड कीजिएगा। यही चीज आपकी इन्वेस्टमेंट, आपका लालच आपके लिए मुसीबत बन जाएगा, इस चीज को अवॉइड करने की कोशिश कीजिएगा। ओके, सो आई होप एरीज पीपल आपको ये एनर्जी क्लियर हो गई होगी। अब हम देखते हैं जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, जो लोग कॉम्पिटेटिव की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए जुलाई की एनर्जी किस तरह की रहने वाली है। इस मंथ में एरीज पीपल, जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, आपके लिए एनर्जी किस तरह की होगी? यहाँ पर नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, यहाँ पर द वर्ल्ड का कार्ड है, द स्टार का कार्ड है, एट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, एंड नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। ओके, एरीज पीपल, इस महीने में आपका वक्त आपकी पढ़ाई के रिगार्ड में बदलता हुआ नजर आ रहा है। आप बहुत मेहनत करने वाले हैं, आप बहुत ज्यादा पैशनेट रहेंगे अपनी पढ़ाई को लेकर, आप पुरानी बातों को लेट गो करने की कोशिश करेंगे, और ये चीज करनी भी चाहिए आपको। आपका पास का रिजल्ट अच्छा नहीं आया तो उसे लेट गो कर दीजिए, उस एनर्जी के ऊपर अपने आप को बांधकर मत रखिएगा। एक नई डायरेक्शन में नए प्लान्स के साथ आपको आगे बढ़ने की जरूरत है। जितना ज्यादा फोकस्ड होकर आगे बढ़ेंगे उतना ही आपके लिए ज्यादा अच्छा होगा। अपने अंदर किसी भी तरीके के डर को हावी मत होने दीजिएगा। ये नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी आपकी पढ़ाई के रिगार्ड में नजर आ रही है। आप शायद सोचने बहुत ज्यादा वाले हैं, या फिर आप अंडर कॉन्फिडेंट एनर्जीज में आते हुए नजर आ रहे हैं। अपने ऊपर अपने डर को हावी मत होने दीजिएगा, मेहनत कीजिएगा। यहां पर जितनी ज्यादा मेहनत करेंगे उतना ज्यादा आपको फल मिलेगा। करियर के लिए ये महीना जैसा भी हो, लेकिन पढ़ाई के लिए ये महीना बहुत बहुत अच्छा है। ये सिर्फ आपके अंदर का ही डर है जो आपको शायद पढ़ने से रोकेगा। अपने डर को हावी मत होने दीजिए। अगर आप प्रमोशनल एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, कॉम्पिटेटिव की तैयारी कर रहे हैं, तो मूल मंत्र क्या होना चाहिए? सिर्फ मेहनत। जितनी ज्यादा मेहनत होगी उतना ही फल मिलेगा, और बार बार अपने तरीकों को बदलने की कोशिश मत कीजिएगा। जुलाई के मंथ में जिस भी तरीके से आप पढ़ाई करना शुरू करेंगे उसी तरीके को पूरे मंथ में आपको कंटिन्यू करना है, उसमें आपको फल जरूर मिलेगा। ओके, सो आई होप आपको ये भी एनर्जी क्लियर हो गई होगी एरीज पीपल। अब हम देखते हैं इस मंथ में आपको क्या मोड ऑफ एक्शन फॉलो करना है जिससे कि आपकी एनर्जीज पॉजिटिव हो जाएं। आपका मोड ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए इस मंथ के लिए? लेट्स सी एरीज पीपल, व्हाट शुड बी योर मोड ऑफ एक्शन? आपको क्या मोड ऑफ एक्शन फॉलो करना है जिससे कि आपकी एनर्जीज बहुत पॉजिटिव हो जाएं? व्हाट शुड बी योर मोड ऑफ एक्शन एरीज पीपल? आपका मोड ऑफ एक्शन इस मंथ के लिए क्या होना चाहिए? लेट्स सी। पहला कार्ड यहाँ पर मास्टर बुद्धा का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज डिवाइन ऑर्डर का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज ट्रस्टिंग हेवन का कार्ड है, आर्कएंजल माइकल का कार्ड है,
डिवाइन इंटरवेंशन डिवाइन डायरेक्टर का कार्ड है, टीचर अवेकन्स का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर महाअवतार बाबा जी का कार्ड है। सो एरीज पीपल, इस महीने में आपको अपनी लाइफ के अंदर एक बैलेंस क्रिएट करना है। ये मुद्रा आप देख रहे हैं, ये मुद्रा जो है ये बैलेंस की मुद्रा होती है। आपको आपकी सोल के साथ एक डीप कनेक्शन बनाना है, अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, अपनी इंट्यूशन के ऊपर आपको फोकस करना है। ओके, और थर्सडे की जो मेरी एंजेलिक गाइडेंस मैं जुलाई के मंथ में पोस्ट करूंगी, उसमें जो भी उपाय मैं बताऊंगी आपको वो उपाय जरूर फॉलो करने हैं। एंजेलिक गाइडेंस मेरे दूसरे चैनल सोल डिवाइन जर्नी टैरो पर आती है, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस चैनल पर मैं कुछ ऐसी वीडियोस पोस्ट करती हूँ जो आपको आपकी लाइफ को चैनलाइज करने में मदद करती हैं, और मैं अपनी डेली एंजेलिक गाइडेंस रोज रात 8 बजे इस चैनल पर पोस्ट करती हूँ। सो आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वहां पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि वहां के लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलते रहें। सो इस महीने में मेडिटेशन भी आपको जरूर करनी है। जितना ज्यादा मेडिटेशन करेंगे उतना ज्यादा अपनी आत्मा के साथ आपका एक कनेक्शन बन पाएगा। यहाँ पर डिवाइन ऑर्डर का कार्ड है। आपको इस महीने में जो लगता है कि सही है आप वो कीजिए। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेसन अनफोल्ड हो रहा है इस महीने में। मेडिटेशन आपको जरूर करनी है, अपने थर्ड आई चक्रा और अपने क्राउन चक्रा के ऊपर मेडिटेट जरूर कीजिएगा। आपको डिवाइन की तरफ से बहुत सारी गाइडेंस भी मिलेगी। यहाँ पर ट्रस्टिंग हेवन का कार्ड है। आप सेफ हैं, एंजल्स आपके पास रहेंगे हमेशा। इस मंथ में जहां पर भी आपको जरूरत पड़ेगी आप एक बार एंजल से डिवाइन से प्रे करके देखिएगा, अपने कंसर्न्स को सरेंडर कीजिएगा, आपको डेफिनेटली हेल्प जरूर मिलेगी और आपकी लाइफ के अंदर मिरेकल होगा। आपको ट्यूसडे और संडे की एंजेलिक गाइडेंस के जो मैं उपाय बताऊंगी वो भी आपको जरूर फॉलो करने हैं। यहाँ पर द डिवाइन डायरेक्टर का कार्ड है। इस महीने में आपकी लाइफ के अंदर एक डिवाइन इंटरवेंशन होने जा रही है। आपको डिवाइन खुद ब खुद गाइड करेंगे। हैप्पीनेस आपका सोल पर्पस है, ये आपको समझ आएगा क्योंकि डिवाइन आपको उसी डायरेक्शन में डायरेक्ट करेंगे। तो गाइडेंस को समझने के लिए अपने आपके साथ कुछ वक्त बिताना जरूरी होता है, अकेले में कुछ वक्त बिताना जरूरी होता है। तो अकेले में कुछ वक्त बिताइए, मेडिटेट कीजिए, उसका आपको बहुत अच्छा रिजल्ट भी मिलेगा और गाइडेंस भी मिलेगी। यहाँ पर टीचर अवेकन्स का कार्ड है। आपके पास इस महीने में बहुत कुछ इम्पॉर्टेंट होने वाला है शेयर करने के लिए, लेकिन अपनी इंट्यूशन की आवाज को सुनिएगा। किसी भी चीज से खुद को रोकने की कोशिश मत कीजिएगा और किसी को सलाह वहां पर दीजिएगा जहां पर कोई आपसे एडवाइस मांगे। अपने आप से किसी को भी कुछ समझाने की जरूरत नहीं है आपको, इस बात का खास ख्याल रखिएगा। यहाँ पर महाअवतार बाबा जी का कार्ड है। इस महीने में आपकी कॉन्शियसनेस बढ़ती हुई नजर आ रही है। आप हर एक चीज के बीच में कनेक्शन महसूस कर पाएंगे। आपको पता लगेगा कि आपकी लाइफ के अंदर डिफरेंट डिफरेंट इवेंट्स क्यों हुए हैं। आपकी सोल इस मंथ में एक्सपांड होती हुई नजर आ रही है और आपको इस मंथ में पूरा मंथ आपको ओम का जाप जरूर करना। अपने थ्रोट चक्रा के ऊपर ओम का जाप जितना ज्यादा करेंगे उतनी ज्यादा चीजों को लेकर आपको क्लैरिटी होगी। ओके, सो आई होप आपको आपका मोड ऑफ एक्शन भी क्लियर हो गया होगा। थर्सडे और ट्यूसडे और संडे की एंजेलिक गाइडेंस में जो भी उपाय मैं आपको बताऊंगी आपको वो उपाय जरूर फॉलो करने हैं। ओके, सो आप देखते हैं डिवाइन आपको क्या ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं। एरीज पीपल, क्या मैसेजेस देना चाहते हैं जुलाई के मंथ के लिए। व्हाट आर द मैसेजेस, व्हाट आर द ब्लेसिंग्स फ्रॉम डिवाइन फॉर एरीज पीपल फॉर जुलाई 2022। पहला कार्ड यहाँ पर फाइंडिंग सेंचुरी का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज बिगिन नाउ का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज क्लेंजिंग वाटर्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज इनफाइनाइट अबंडेंस का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज टेकिंग शेल्टर का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर फेलो ट्रैवलर्स का कार्ड है। सो एरीज पीपल, डिवाइन आपसे ये कहना चाहते हैं कि इस मंथ में आपका स्पिरिचुअल सोर्स खुल रहा है। डिवाइन आपको स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पर चलाने वाले हैं इस महीने में, तो इसलिए अपने आप को एक एक्सेप्टेंस के मोड पर रखिएगा ताकि आप उनके सभी इशारों को समझ पाएं, उनकी सभी गाइडेंस को समझ पाएं।
एरिस पीपल, ईश्वर आपसे ये कहना चाहते हैं कि अपने खुशियों के तरफ पहला कदम बढ़ाने का वक्त आ गया है। टेक योर फर्स्ट स्टेप, अपने हैप्पीनेस की तरफ को इस मंथ में बढ़ते जाइए। आप जिस रास्ते पर चलने वाले हैं उसमें आपको बहुत सारे लोग तो नहीं मिलेंगे, लेकिन आपके लिए वो रास्ता ही सही है जहां पर आपको आपके पसंदीदा लोग ना मिले, क्योंकि वो रास्ता आपको आपकी सही मंजिल पर लेकर जाएगा। यहाँ पर क्लेंजिंग वाटर्स का कार्ड है। डिवाइन आपसे ये कहना चाहते हैं इस महीने में अपने आप को प्यूरिफाई कीजिए, अपने आप को एक्टिवेट कीजिए, आपकी लाइफ फोर्स को समझने की कोशिश कीजिए, अपने आप को वाइब्रेंट बनाइए, ठीक है, अपने सोल को क्लेंस कीजिए। यहाँ पर इनफाइनाइट अबंडेंस का कार्ड है। ये डिवाइन की तरफ से ब्लेसिंग है आपके लिए। आपकी लाइफ के अंदर अबंडेंस आ रही है, बहुत ही ज्यादा अबंडेंट टाइम्स की ओर आप बढ़ रहे हैं। इस रास्ते को बस कवर कर लीजिए, आप वहां पहुंच जाएंगे जहां ईश्वर आपको देखना चाहते हैं। ईश्वर आपसे ये भी कहना चाहते हैं कि जिन सवालों के जवाब आप अपने से बाहर ढूंढ रहे हैं, उन सभी सवालों के जवाब आपके अंदर ही हैं। तो अपने अंदर से उन सवालों के जवाबों को ढूंढने की कोशिश कीजिए, बाहर आपको कुछ नहीं मिलेगा। अंधकार आपके अंदर है, आपको उस अंधकार को मिटाना है। ओके, यहां पर फेलो ट्रैवलर्स का कार्ड है। ईश्वर आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि जो भी रास्ता अब आप जिस पर चलने वाले हैं, उस रास्ते पर आपको आपके पसंदीदा लोग तो नहीं मिलेंगे, लेकिन आपको सपोर्ट हर एक पॉइंट पर मिलेगी। वो रास्ता आपके लिए अनजान जरूर है, लेकिन आपको आपके डेस्टिनेशन तक जरूर पहुंचा देगा। तो इसलिए आपको डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, इस रास्ते पर अग्रसर रहिए, आपको सपोर्ट मिलती जाएगी, डिवाइन आपको रास्ता दिखाते जाएंगे। सो आई होप एरीज पीपल आपको मेरी रीडिंग पसंद आई हो। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके, सो डू शेयर माई वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं, तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मेरा एक और चैनल भी है, सोल डिवाइन जर्नी टैरो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस चैनल पर मैं कुछ ऐसी वीडियोस पोस्ट करती हूँ जो आपको आपकी लाइफ को चैनलाइज करने में मदद करती हैं, और मैं अपनी डेली एंजेलिक गाइडेंस रोज रात 8 बजे उस चैनल पर पोस्ट करती हूँ। सो आप प्लीज उस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वहां पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।